वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे थायरिस्टर बेस्ड फैक्ट डिवाइसेस। टॉपिक है हार्मोनिक एनालिसिस एसवीसी और टीसीएससी में। तो ये पीक्यूएफ का सब्जेक्ट चल रहा है और मैं मेरे चैनल पे काफ़ी सब्जेक्ट्स बीटेक से जो रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एफिलेटेड टू आरटीयू कोटा, अपलोड करूँगी वन बाय वन। तो पहले पीक्यूएफ 7 सेम इलेक्ट्रिकल में जो सब्जेक्ट है, इसके पूरे लेक्चर नोट्स अपलोड हो जाने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट डील होगा। तो इस लेक्चर में हम पहले पढ़ेंगे हार्मोनिक एनालिसिस एसवीसी में और फिर उसके बाद हम टीसीएससी में पढ़ेंगे। तो हार्मोनिक एनालिसिस जब हम एसवीसी में पढ़ते हैं तो एक बात जो याद रखने की है वो ये है कि टीसीआर से ही जनरेट होते हैं हार्मोनिक्स, टीएससी या टीएसआर से नहीं होते। अब इन सब के मतलब क्या है? टीसीआर मतलब थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर, जहाँ पर हम स्विच ऑन करने के बाद थायरिस्टर्स को उसका फायरिंग एंगल और कंडक्शन एंगल सिग्मा कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही टीएससी थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर है, सिर्फ कैपेसिटर को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना, कंट्रोलिंग नहीं होती है इसमें। टीएसआर इज थायरिस्टर स्विच्ड रिएक्टर, जिसमें रिएक्टर को बस स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, कोई कंट्रोलिंग नहीं होती है। तो करंट हार्मोनिक्स जो भी जनरेट होंगे हार्मोनिक्स, वो सिर्फ टीसीआर से जनरेट होंगे अगर हम टीसीआर को यूज करते हैं, यानी फायरिंग एंगल या सिग्मा को जब हम चेंज करते हैं तभी हार्मोनिक्स जनरेट होंगे। दो तरह के हो सकते हैं हार्मोनिक्स, कैरेक्टरिस्टिक और अनकैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक हार्मोनिक वो होते हैं जो आइडियल कंडीशन में होंगे, जैसे कि बैलेंस्ड कंडीशन है या साइनसॉइडल वेवफॉर्म्स है, इक्विडिस्टेंट पल्सेस, आइडेंटिकल इंपेडेंस एटसेट्रा। ऐसे ही अनकरेक्टरिस्टिक हार्मोनिक वो होंगे जो नॉन आइडियल कंडीशंस में होते हैं, जैसे अनबैलेंस्ड कंडीशन, फायरिंग एंगल एसिमेट्री। इसके दो ऑपरेशन हो सकते हैं, स्विच्ड और कंट्रोल, जैसे कि मैंने बताया। तो ये दो ऑपरेशन क्लियर होने चाहिए। और जब हम एससीआर की बात करते हैं, कन्वेंशनल एससीआरस, तो उसमें टर्न ऑन कंट्रोल तो होता है पर टर्न ऑफ कंट्रोल नहीं होता है। तो हम टर्न ऑफ कंट्रोल के लिए एक अलग से कम्यूटेशन सर्किट की डिजाइनिंग करते हैं। जब एसवीसी की बात कर रहे हैं तो इसमें जो थायरिस्टर्स लगे हुए हैं वो कन्वेंशनल थायरिस्टर्स हैं। जब हम आगे फैक्ट्स डिवाइसेस की बात करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फैक्ट्स की, तो उसमें काफ़ी ऐसे एससीआर होते हैं जो मॉडर्न फैब्रिकेटेड टेक्निक से बने होते हैं और टर्न ऑन टर्न ऑफ दोनों कंट्रोल हमारे हाथ में होते हैं थ्रू द गेट टर्मिनल, थर्ड कंट्रोल टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड गेट। तो अब अगर एसवीसी में हमें ये देखना है हार्मोनिक्स की वजह से इंटरेक्शन एसी नेटवर्क के साथ क्या क्या हो सकते हैं, किस वजह से हो सकते हैं, तो उसके तीन कारण हो सकते हैं कि डायरेक्टली अगर बस में, जिस बस से कनेक्टेड है एसवीसी, उस बस में अगर हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं तो एसी नेटवर्क में भी वो हार्मोनिक्स जाएंगे। इसी तरीके से अगर वोल्टेज रेगुलेशन लूप में कोई हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं तो वो जाएंगे। इनको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? नॉच फिल्टर्स लगा के। उसी तरीके से गेट पल्स सिंक्रोनाइजेशन सर्किट, जो हम गेट के लिए अलग से एक सर्किट बनाते हैं, उसमें भी फायरिंग एंगल एसिमेट्रीज अगर होती हैं पर फेज, या फिर अगर हम बात करें थोड़ी देर बाद और नॉचेज आती हैं, तो इसकी वजह से भी हार्मोनिक्स आते हैं। अब इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं हार्मोनिक के? ओवर वोल्टेजेस, जो कि ट्रांजिएंट्स के टाइम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन है तो ये ओवर वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। इसी तरीके से कैपेसिटर बैंक्स में बहुत ज़्यादा लॉसेज बढ़ जाते हैं, मशीन्स में लॉसेज बढ़ जाते हैं, टेलीफोनिक सर्किट जो होते हैं, कम्युनिकेशन सर्किट, उनमें इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। अब हार्मोनिक्स एनालाइज करें अगर, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल कंपोनेंट टीसीआर करंट का, यानी करंट की आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट I1 इज गिवन बाय इज अ फंक्शन ऑफ बी टीसीआर, ससेप्टेंस ऑफ टीसीआर और ससेप्टेंस ऑफ टीसीआर इनटू वोल्टेज। तो ससेप्टेंस हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, इट इज अ फंक्शन ऑफ सिग्मा और यू कैन से इट इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा। तो अगर सिग्मा के टर्म्स में इसको डिफाइन करें तो सिग्मा माइनस साइन सिग्मा बाय पाई एक्सएल, कंडक्शन एंगल है सिग्मा, तो ये अल्फा से कैसे रिलेट होता है, 2 × π माइनस अल्फा। तो ये वैल्यू डाल दो इसमें तो तुम्हें बी टी सी आर की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अब अगर हार्मोनिक्स टी सी आर में बात करें तो ऑड हार्मोनिक्स जनरली प्रेजेंट होते हैं, यानी फंडामेंटल हार्मोनिक, वन हार्मोनिक के अलावा 3, 5, 7 एटसेट्रा। तो अब उसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है IN, तो अगर हम फॉर्मूला लगा के निकालें तो V बाई XL इंटू 2 बाई पाई ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये मिल जाता है हमें। थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यहाँ पर N की वैल्यू 2K+1 है, N इज द ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स जो हम इंक्लूड कर रहे हैं, कितना ऑर्डर हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि ये जो IN की वैल्यू है, जब अल्फा 90 या 180 होगा तो IN 0 हो जाएगा। और टोटल हार्मोनिक करंट अगर हम बात करें टीसीआर में, तो वो
आरएमएस वैल्यू होगी सारे हार्मोनिक करंट्स की, यानी स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंडिविजुअल हार्मोनिक करंट्स। तो अब अगर इनको रिड्यूस करना है हार्मोनिक्स को टीसीआर में, तो कैसे कर सकते हैं कि टीसीआर को फर्स्ट फर्स्ट मेथड है कि हम टीसीआर को डेल्टा में कनेक्ट करें, तो ट्रिप्लन हार्मोनिक्स, थ्री और थ्री के मल्टीपल्स में जो हार्मोनिक है उन्हें ट्रिप्लन हार्मोनिक्स कहते हैं, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब जो बचेंगे वो 6k प्लस माइनस 1 बचेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो टीसीआर है उसको एक टीसीआर लगाने के बजाय हम तीन चार पैरेलल ब्रांचेज लगाएं और सारी पैरेलल ब्रांचेज को टीसीआर रखें, सिर्फ एक के अलावा एक को हम टीएसआर रखें। टीएसआर मतलब स्विच्ड रिएक्टर, उसमें हम अल्फा को कंट्रोल नहीं कर रहे, या तो स्विच ऑन करेंगे या स्विच ऑफ करेंगे। तो टीएसआर में हार्मोनिक्स बहुत कम होते हैं, तो अगर इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा करंट्स का तो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा हार्मोनिक्स। अब अगर हमें फिल्टर डिजाइनिंग करनी है एसवीसी में, तो फिल्टर डिजाइनिंग फिल्टर सर्किट या एफसी टीसीआर मतलब फिल्टर सर्किट टीसीआर या फिक्स्ड कैपेसिटर टीसीआर, दोनों तरीके से बुक्स में डिफाइन होता है। बेसिकली फिल्टर सर्किट टीसीआर है जिसमें एक फिल्टर बनाते हैं हम कैपेसिटर लगा के, जहां एसवीसी लगाया उसी के पैरेलल में एक कैपेसिटर का सर्किट लगता है जिसके सीरीज में हम एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर लगा सकते हैं बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फिल्टरिंग कैपेसिटी, हमें कितनी रखनी है और उसके हिसाब से हम आरएलसी की वैल्यूज यूज करते हैं, ये डिसाइड करते हैं अप्रोप्रिएट क्यू फैक्टर की कैलकुलेशन से। तो अब ये चार फैक्टर्स, चार डिस्टॉर्शन फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमें फिल्टर जो डिजाइन करना है उसकी रेटिंग क्या होगी। वो चार फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वोल्टेज डिस्टॉर्शन फैक्टर डीएन जो nth हार्मोनिक पे होगा, तो डीएन अगर सपोज फिफ्थ हार्मोनिक है तो v5 बाय v1 कितना डिस्टॉर्शन है उसके हिसाब से, जो भी मुझे एलिमिनेट करना है कोई पर्टिकुलर हार्मोनिक अगर एलिमिनेट करना है तो ये डीएन इस्तेमाल करेंगे हम। इसी तरीके से अब अगर हमें ये देखना है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कितना है किसी पर्टिकुलर एसवीसी में, तो THD निकालो, तो ये है 1/v1 स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ vn स्क्वायर, जहां n की वैल्यू 1 को छोड़ के यानी 2 से लेकर कैपिटल n हाईएस्ट हार्मोनिक ऑर्डर है, हाईएस्ट हार्मोनिक nth हार्मोनिक अगर प्रेजेंट है तो 2 से लेकर nth हार्मोनिक तक हम इसको पूरा सम करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, डिवाइड बाय v1 करेंगे, हमें टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन पता चल जाएगा और उसके हिसाब से हम रेटिंग डिजाइन कर सकते हैं अपने फिल्टर सर्किट की। नेक्स्ट है IT प्रोडक्ट, करंट का प्रोडक्ट है बेसिकली ये, और IT प्रोडक्ट है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ KF PF IN का स्क्वायर। KF है यहाँ पर 5 एंड F0, F0 है तुम्हारी नॉमिनल फ्रीक्वेंसी जैसे कि 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, जो अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। PF इज द वेइंग फैक्टर, फोर्थ जो हमारा फैक्टर है जो कि डिसाइड करेगा कितनी कैपेसिटी हमें यूज करनी है, वो टेलीफोन इंटरफेरेंस फैक्टर होता है, कम्युनिकेशन सर्किट से कितना इंटरफेरेंस है इन SVC की वजह से जो हार्मोनिक बने उनका। तो वो कैसे निकलेगा, 1/v ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ KF PF vn स्क्वायर, यहाँ पर vn के प्रोपोर्शनल है इसका समेशन, तो ये तुम्हें मिल जाएगा इससे। तो अब ये चारों अगर हम कैलकुलेट कर पाए तो इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम फिल्टर का बनाएं किसी SVC के लिए, तो हमें बस ये देखना होता है कि जैसे ये हमारा nth हार्मोनिक है, हाईएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक, इसको जो इम्पिडेंस ऑफर हो रही है ZnH, बचे हुए जो हार्मोनिक्स हैं वो IFH, करंट उनके थ्रू करंट जो फ्लो रहा है IFH है, उनके क्रॉस जो इम्पिडेंस है ZFH है, टोटल हार्मोनिक करंट IH है। तो अब मुझे ये INH बाय IH का एक रेशियो निकाल के पता करना है कि यहाँ भाई फिल्टर सर्किट डिजाइन कितनी हो सकती है यहाँ पर। अब अगर हम ये था TCR का, अब TCFC के हार्मोनिक्स की बात करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर हम निकालें IT1 पीक वैल्यू, तो 4/π इंटीग्रल 0 to π/2 ऑफ IT cos ओमेगा TD ओमेगा T मिलेगा। अगर पीक वैल्यू निकालें nth हार्मोनिक की तो ये IT1 की जगह ITN हो जाएगा, तो बस यहाँ पर cos n ओमेगा T हो जाएगा। nth हार्मोनिक की पीक वैल्यू अगर कैपेसिटर वोल्टेज के टर्म्स में निकालें तो VCN विल बी ITN into XC by N, N इज द ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक जो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हार्मोनिक जो प्रेजेंट होते हैं TCSC में, इनसे जो मेजर प्रॉब्लम एनकाउंटर हो सकती है, हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए फिल्टर डिजाइनिंग हो सकती है, पर मेजर प्रॉब्लम जो एनकाउंटर होती है ड्यू टू TCSC क्योंकि सीरीज में लगता है ट्रांसमिशन लाइन के, वो होती है सब सिंक्रोनस रेजोनेंस जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था लेक्चर में। तो तीन बेसिक फंक्शंस होते हैं हर मॉड्यूल के जो हमें चाहिए, और मेजर प्रॉब्लम जो है SSR इसको एलिमिनेट करना जरूरी है। तो तीन फंक्शंस हम डिजाइन कर सकते हैं हर मॉड्यूल में, TCSC का हर मॉड्यूल जो बनेगा उसमें,
रिएक्टेंस कंट्रोल जहाँ पर हम रिएक्टेंस की वैल्यू कंट्रोल करते हैं, SSR डैम्पिंग कंट्रोल जहाँ पर हम रिएक्टेंस को सेट करते हैं ताकि अकॉर्डिंगली हम XC को कम कर सकें। जब XC और XL बराबर हो जाते हैं सिस्टम में, है ना, ये जो XC है TCSC की, इसकी वैल्यू पूरे सिस्टम की रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगी तो रेजोनेंस की कंडीशन आ जाती है, तो हमें एलिमिनेट करनी है। तो रिएक्टेंस को अगर हम अकॉर्डिंगली सेट कर दें SSR के टाइम पे, तो ये कंडीशन अवॉइड हो सकती है, रेजोनेंस को हटा सकते हैं। इसी तरीके से बाईपास मोड भी होता है जिसमें हम थायरिस्टर स्विच्ड रिएक्टर मोड को यूज़ करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, लाइन ओवर करंट या रेस्टर ओवर करंट की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। अब अगर हम बात करें हार्मोनिक्स TCSC में, तो दो तरह के कंट्रोल्स हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो कंट्रोल होते हैं कॉन्स्टेंट करंट और कॉन्स्टेंट एंगल कंट्रोल। तो VI कैरेक्टरिस्टिक जो TCSC की है, अगर सपोज कांस्टेंट करंट रखना है मुझे इस कैरेक्टरिस्टिक में, तो मैं करंट को कांस्टेंट मेंटेन करूंगी इस कैरेक्टरिस्टिक के अलावा। इसी तरीके से अगर मुझे एंगल मेंटेन करना है कांस्टेंट एंगल, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक को इस तरीके से वेरी कर दूंगी कि एंगल कांस्टेंट रहे बिटवीन टू एंड्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन जहाँ पर TCSC लगा हुआ है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत था, अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।